हेलो आयुष, नॉलेज जंक्शन मैप 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मेट में आईएसओ वीक नाम फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आप प्रेस करेंगे, रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल ई एक्स एल, ओके पर क्लिक करेगा, एंटर पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, देख सकते हैं ये हमारा डेटा सेव है। हमने डेट टाइप कर रखा है, हमें क्या निकालना है आईएसओ वीक नम फंक्शन यूज करना है। ये हमारा फंक्शन छूट गया है, देख सकते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शन, इसके अंदर देख सकते हैं आई एस ओ बिग नम फंक्शन। ये फंक्शन 2007 में नहीं था, एक्सेल 365 में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम कर्सर रखेंगे, देख सकते हैं डेट एंड टाइम के अंदर ISO वीक नम इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया है। ये लिखा है डेट, तो हम क्या करेंगे ISO वी फंक्शन, इसका मतलब है यहाँ तारीख वह तारीख है जिसकी ISO सप्ताह संख्या निकालनी है, यानी कि जो हमने जो डेट टाइप कर रखा है यहाँ पर उसके में आईएसओ सप्ताह संख्या निकालना है साल का। तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे A2, दे सकते हैं ओके करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, दे सकते हैं सभी का आंसर निकला है। इसमें पहला सप्ताह और 11वां सप्ताह, देख सकते हैं 27वां सप्ताह, 52वां सप्ताह राइट आंसर निकला है। दूसरा तरीका बताएंगे, इक्वल आईएसओ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो एक्सपेक्टेबल करेंगे, डेट इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे या A2 को इस सेल को शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। इसको हम प्लस का निशान इसको डबल करेंगे, देख सकते हैं सेम निकला है। अगला एग्जांपल आईएसओ विद इफ फंक्शन का यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन, पहले हम इक्वल लगाएंगे बराबर इफ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो शेड्यूल करेंगे। लॉजिकल टेस्ट, हमें क्या निकालना है इसमें से आईएसओ फंक्शन यूज करेंगे, पहले देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो शेड्यूल करेंगे। डेट, डेट में क्या लेना है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे A2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन या हम लेस देन लेंगे, लेस देन इक्वल किसके 26, लेस देन इक्वल 26 कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू
क्या वैल्यू ट्रू में क्या आंसर निकलना चाहिए? दे सकते हैं फर्स्ट हाफ, तो हम यहां पर टाइप करेंगे टेस्ट पास करेंगे 57 ओपन फर्स्ट हाफ 57 क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू फॉल्स। अगर ये रॉन्ग है तो क्या पास करेंगे यहां पर? सेकेंड हाफ टेस्ट पास करेंगे 57 ओपन सेकेंड हाफ 57 क्लोज 57 ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। इस पर डबल करेंगे इसको हम दे सकते हैं फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ और दे सकते हैं 27 लिखा है तो वहां पर सेकंड हाफ राइट आंसर निकला है। अगला एग्जाम्पल सी टू पर पहुंचेंगे। हमने टास्क स्टार्ट डेट ISOB नंबर निकालना है इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन ISOB नंबर डेट यानी कि ESL A2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे क्या निकला है यहां पर रॉन्ग। क्यों हमने किसको लिया है A2 को, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट डेट को हम सिलेक्ट करेंगे B2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। ये जो प्लस का निशान है इसको डबल करेंगे। हमें क्वार्टर निकालना है किसके साथ? इफ फंक्शन के साथ। ISO फंक्शन विद इफ फंक्शन इक्वल बराबर इफ फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो इसका डबल करेंगे। लॉजिकल टेस्ट यानी कि ISOB नम दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो इसका डबल करेंगे। डेट यानी ये डेट B2 या फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे टास्क को A2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे लेस देन शिफ्ट के साथ इक्वल किसके यहां पर हम B2 सिलेक्ट करेंगे क्यों? अभी हमने स्टार्ट डेट को लिया था फिर से हम B2 को सिलेक्ट करेंगे B2 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन इक्वल किसके दे सकते हैं 1 से लेके 13 तो हम यहां पर क्या करेंगे 1 टाइप करेंगे कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू। अगर ये राइट है तो हम क्या पास करेंगे यहां पर ISOB के नाम फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सुबह से डबल करेंगे। डेट यानी ये सेल B2 लेस देन शिफ्ट के साथ
इक्वल किसके 13 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे दे सकते हैं। अब क्या पास करेंगे यहां पर हमने इफ से पहले एंड फंक्शन का यूज करना है। कौन सा फंक्शन? एंड फंक्शन। यहां पर टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन शिफ्ट के साथ और टाइप करें यहां पर एंड आप देख सकते हैं इसको हम यहां पर हम इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहां पर क्योंकि आईएसओ वीक नाम डेट बी टू ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन इक्वल वन कॉमा लॉजिकल टू। लॉजिकल टू हमें क्या देना है यहां पर आईएसओ वीक नाम डेट एसएल बी टू शिफ्ट के साथ लेस देन इक्वल 13 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू। हमें क्या पास करना है यहां पर हमें क्वार्टर वन दे सकते हैं क्वार्टर ऑफ द ईयर तो क्वार्टर हम क्या लेंगे वन लेंगे शिफ्ट के साथ कॉमा ओपन क्वार्टर वन शिफ्ट के साथ कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू पास यहां पर पास करेंगे नॉट क्वार्टर वन तो शिफ्ट के साथ कॉमा ओपन नॉट क्वार्टर वन शिफ्ट के साथ कॉमा क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू वन निकला है यानी कि वन सप्ताह कर रहा है तो देख सकते हैं क्वार्टर वन सभी का आंसर हमें चेक करना है। तुमने डबल क्लिक किया इसको सभी का आंसर निकला है 11वां सप्ताह तो देख सकते हैं क्वार्टर वन और ये देख सकते हैं नॉट क्वार्टर वन राइट आंसर निकला है। सीट अगला एग्जाम्पल सीट थ्री पर पहुंचेंगे डिस्क्रिप्शन वैल्यू में निकालना है करंट डे यानी कि टूडे फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल टूडे फंक्शन देख सकते हैं हमारा डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो देख सकते हैं आज की डेट 3 सितंबर 2024 हमें क्या निकालना है आईएसओ वीक नाम टूडे फंक्शन के साथ निकालेंगे तुम क्या करेंगे इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन आईएसओ वीक नाम फंक्शन डेट यानी टूडे फंक्शन देख सकते हैं हमारा डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे आईएसओ बी क्रम का ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है 36 व सप्ताह
हमें क्या मैसेज शो करना है यहाँ पर, यहाँ पर हमें मैसेज शो करना है इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, टुडे फंक्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें टेस्ट पास करना है, डिस्प्ले मैसेज क्या यहाँ पर शो करना है, टुडे इज इन द 20 आईएसओ वीक। तो हम क्या करेंगे यहां पर टाइप करेंगे, टेस्ट पास करेंगे शिफ्ट साथ ओपन टुडे इज इन द आईएसओ वीक। तो हम यहां पर द को हम डिलीट करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे आई एस ओ वीक शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे, या फिर यहां पर क्या पास करेंगे एंड, क्या पास करेंगे एंड। हमें क्या मैसेज करना है, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, कौन सा फंक्शन आईएसओ वीक नाम फंक्शन, डेट टुडे फंक्शन, इसको डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमें ये मैसेज शो करना है टुडे इज इन आईएसओ वीक 36। दे सकते हैं जो हमारा लिखा हुआ है यहां पर टेस्ट टुडे इन द, दे सकते हैं राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल करंट डेट यानी कि नाउ फंक्शन का यूज करेंगे, यहां पर हमने करंट डेट एंड टाइम इक्वल बराबर नाउ फंक्शन डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं डेट और करंट टाइम 8:01 राइट आंसर निकला है। अब हम कौन सा फंक्शन यूज करना है यहां पर आईएसओ वीक नाम विद नाउ फंक्शन इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन आईएसओ, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें डबल करेंगे डेट नाउ फंक्शन, इसमें डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे पैसे ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं 36 हुआ यानी सप्ताह निकला है। अब हम क्या मैसेज शो करना है, दे सकते हैं यहां पर डिस्प्ले मैसेज, करंटली इन्वर्टर कॉमा में इट इज आईएसओ वीक, दे सकते हैं डबल एक्स यानी एंड द टाइम इज हावा मिनट सेकंड निकालना है। इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, पहले हम टेस्ट पास करेंगे शिफ्ट साइड ओपन करंटली इज इट इज, तो पहले हम क्या करें यहां पर कॉमा लगाएंगे
इट इज, यहां पर आई एस ओ बी नम, आई एस ओ बीक शिफ्ट साइन कमा क्लोज एंड, हमें क्या शो करना है शिफ्ट साफ, सेव प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, आई एस ओ बीक नम देख सकते हैं हमारा शो है, डबल करेंगे डेट यानी कि नाउ फंक्शन सर डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज एंड शिफ्ट के साथ सेवन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, हमें क्या शो करना है यहां पर टाइम, तो हम क्या पास करें यहां पर शिफ्ट के साथ एंटर कमा ओपन एंड द, क्या पास करना है टाइम इज शिफ्ट के साथ एंटर कमा क्लोज शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करें कीबोर्ड में, यहां पर क्या पास करेंगे टेस्ट फंक्शन देख सकते हैं हमारा सो इस पर डबल करेंगे वैल्यू नाउ फंक्शन इसमें डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमें फॉर्मेट टेस्ट क्या निकालना है आवर मिनट सेकेंड, तो हम यहां पर क्या पास करेंगे शिफ्ट के साथ एनोडा कमा ओपन एच एच हावर शिफ्ट के साथ कॉलम साइन एम एम मिनट शिफ्ट के साथ कॉलम साइन सेकेंड शिफ्ट के साथ एस एस शिफ्ट के साथ एनोडा कमा क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर हमने स्पेस कॉमा नहीं लगा यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं करंटली इट इज आई एस ओ वीक 36 एंड द टाइम इज 8:06:43 राइट आंसर निकला है, इसको चेक कर सकते हैं यहां पर एंड की जगह यहां पर स्पेस दे देंगे तो देख सकते हैं यहां पर स्पेस हो गया है राइट आंसर निकला है ना फंक्शन के साथ। अगला एग्जांपल सीट फोर पर पहुंचेंगे डेट सेल्स आईएसओ वीक नंबर निकालना है हमें इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन आई एस ओ बी नम फंक्शन देख सकते हैं हमारा सो गया इसे डबल करेंगे डेट डेट में क्या लेना है ये सेल डेट वाला ए टू शिफ्ट साफ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं वीक नम निकला है इस पर डबल करेंगे तो दे सकते हैं सभी का आंसर राइट निकला है, हमें क्या निकालना है
सेस इफ बीफ टू निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर? यहां पर फंक्शन यूज करेंगे ट्रू फंक्शन, कौन सा फंक्शन? ट्रू इक्वल बराबर इफ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें ट्रू करेंगे। लॉजिकल टेस्ट हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? आईएसओ वीक नम, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें ट्रू करेंगे। डेट यानी ये सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इक्वल किसके, देख सकते हैं आईएसओ वीक नम इज इक्वल टू, तो हम यहां पर बराबर लगाएंगे टू, कोमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू, अगर राइट है तो हम क्या करेंगे सेल्स यानी बी टू, कोमा लगाएंगे वैल्यू फास, अगर रॉन्ग है तो क्या पास करें यहां पर? नॉट वीक टू, टेस्ट पास करेंगे शिफ्ट के साथ कमा ओपन नॉट वीक टू, शिफ्ट के साथ कमा क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहां आंसर हमारा जो निकला है, इस पर डबल करेंगे दे सकते हैं नॉट वीक टू, और दे सकते हैं हमने जो इक्वल टू पास किया है तो दे सकते हैं यहां पर वैल्यू शो हो रहा है 800 450 900 राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट फाइव पर पहुंचेंगे, डेट आईएसओ वीक नाम हमें निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है यहां पर? इफ एरर फंक्शन इक्वल बराबर इफ एरर फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो ट्रू करेंगे, वैल्यू यानी ये सेल तो हम क्या करेंगे उससे पहले हम यहां पर आईएसओ वीक्रम फंक्शन इसमें डबल करेंगे, डेट ये सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे वैल्यू पैरर, क्या पास करेंगे अगर ये डेट रॉन्ग है एरर है तो इनवैलिड डेट पास करेंगे, शिफ्ट के साथ ओपन इनवैलिड डेट, शिफ्ट के साथ क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर निकला है, ये प्लस करना आंसर डबल करेंगे यहां पर इनवैलिड डेट सो रहा है। अगर हम इनवैलिड डेट की जगह जीरो पास करें इस जगह तो यहां पर क्या पास होगा? जीरो, इसको हम डिलीट करेंगे, जीरो पास करेंगे एंटर प्रेस करेंगे हमको ऊपर कैसा रखना था जीरो एंटर प्रेस करेंगे हम इसको डिलीट करेंगे इसको डबल करेंगे इस पर तो देख सकते हैं जहां पर जो इनवैलिड शो हो रहा था वहां पर जीरो, अगर हम जीरो की जगह
क्या पास करें? ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक सेल, तो क्या आंसर निकलेगा? एंटर प्रेस करेंगे, एक्सपोम रीड करेंगे और हम डबल करेंगे इस पर, तो दे सकते हैं जो हमने इनवेल्ड डेट शो हो रहा था वहां पर ब्लैंक सेल शो हो रहा है, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट सिक्स पर पहुंचेंगे, डेट आईएसओ वीक नंबर हमें निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर? इज नंबर फंक्शन, आईएसओ वीक नंबर विद इज नंबर फंक्शन इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन? पहले हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो है, सेट करेंगे लॉजिकल टेस्ट यानी कि इज नंबर फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो है, सेट करेंगे वैल्यू यानी कि ये सेल ए टू शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे वैल्यू ट्रू, अगर ये सेल राइट है तो क्या पास करेंगे? पहले हम आईएसओ फंक्शन, आईएसओ वीक नंबर फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा शो करेंगे, डेट यानी ये सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे वैल्यू पास, अगर ये रॉन्ग है तो हम क्या पास करेंगे? इनवैलिड डेट, क्या पास करेंगे? इनवैलिड डेट, टेस्ट पास करेंगे सिक्स सेवन को हम ओपन, इनवैलिड डेट सिक्स सेवन को हम क्लोज, सिक्स सेवन ब्रैकेट क्लोज की वो एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है, ये जो प्लस का निशान है डबल करेंगे, दे सकते हैं यहाँ पर इनवैलिड डेट लिखा हुआ है वहां पर इनवैलिड डेट, अगर हम जो इनवैलिड डेट शो हो रहा है इसकी जगह हम क्या पास कर दें? इसको हम डेट रीड करेंगे, क्या पास करेंगे? ब्लैंक सेल, कीवर्ड एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम ब्लैंक सेल एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम रीड करेंगे और दे सकते हैं यहां पर एमेडेड शो हो रहा था वहां पर ब्लैंक सेल, दे सकते हैं दोनों जगह राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट सेवन पर पहुंचेंगे, डेट आईएसओ वीक नंबर फंक्शन निकालना है किसके साथ? ट्रिम फंक्शन, ये भी जबरदस्त फॉर्मूला है, चैनल पर बने रहिए। इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन? पहले हम इफ फंक्शन का जो करेंगे, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो है, शेड्यूल करेंगे लॉजिकल टेस्ट यानी कि इज नंबर फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो है, शेड्यूल करेंगे वैल्यू, वैल्यू में क्या पास करना है? डेट वैल्यू फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शुरू है, इसको डबल करेंगे डेट टेस्ट, हमें क्या देना है यहाँ पर? ट्रिम फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शुरू है, इसको डबल करेंगे टेस्ट यानी कि ये सेल ए टू शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, डेट वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, इज नंबर का ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जितने हमने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे
वैल्यू ट्रू, ये सर राइट है। तो हम क्या पास करेंगे, आईएसओ बीकनम फंक्शन, डेट डेट वैल्यू फंक्शन दे सकते हैं हमारा करेंगे, डेट टेस्ट यानी कि ट्रिम फंक्शन डबल करेंगे, टेस्ट यानी ये सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, डेट वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, आईएसओ वीक नंबर का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू पास। अगर ये सेल रॉन्ग है तो क्या पास करेंगे यहां पर, इनवैलिड डेट शिफ्ट के साथ इनवर्ट कॉमा ओपन टेस्ट पास करेंगे, इनवैलिड डेट क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। ये जो प्लस का आंसर है उसको करेंगे दे सकते हैं इनवैलिड डेट। इसी तरह हम यहां भी ब्लैंक सेल यहां पर हम कसर रखेंगे, इसको हम रीड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हम इसको डिलीट करेंगे, ये प्लस का आंसर डबल करेंगे तो दे सकते हैं जहां इनवैलिड डेट लिख के आ रहा था वहां पर ब्लैंक सेल राइट आंसर है। अगला एग्जांपल सी डेट पर पहुंचेंगे, डेट एंड टाइम हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है यहां पर, इंट फंक्शन, आईएसओ बीक नाम विद इंट फंक्शन। अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। ये एडवांस वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी और किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, इंट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आईएसओ फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सोए इसमें डबल करेंगे, डेट इंट फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सोए इसमें डबल करेंगे, नंबर यानी ए सेल ए टू शिफ्ट ऐसा ब्रैकेट क्लोज, इंट का आईएसओ नंबर ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है। ये जो प्लस का निशान है इस पर डबल करेंगे, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो दे सकते हैं आईएसओ दे सकते हैं राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर, सीट नाइन पर पहुंचेंगे, डेट सेल और कंडीशन मेट हमें निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है यहां पर, एंड फंक्शन किसके साथ, आईएसओ बीक नम फंक्शन, जस्ट फॉर्मूला ये भी इक्वल
बराबर एंड फंक्शन दे सकते हैं, हमारा सो या सेंट्रल करेंगे। लॉजिकल वन, लॉजिकल वन हम यहां पर क्या देंगे और फंक्शन सेंट्रल करेंगे। लॉजिकल वन यानी कि आईएसओ बी का नाम दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो सेंट्रल करेंगे। डेट, डेट में क्या देना है, ये सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इक्वल बराबर हमें क्या शो करना है यहां पर टू दे सकते हैं। बीक नंबर इज आइदर टू और थ्री, तो हम क्या करेंगे टू पास करेंगे, कॉमा लगाएंगे। लॉजिकल टू यानी कि आईएसओ बीक नम, डेट यानी एसएल ए टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल और थ्री, तो टाइप करेंगे थ्री शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। लॉजिकल टू हमें क्या पास करना है, सेल्स यानी ये सेल बी टू शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन किसके 100 के, सेल्स अमाउंट हमें निकालना है तो हम टाइप करेंगे 100 शिफ्ट के साथ एंटर कॉमा क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है हास। हम इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे या प्लस करने से इसमें डबल करेंगे, चेक कर सकते हैं ग्रेटर देन 100 तो दे सकते हैं ट्रू और बाकी सब फॉल्स, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल लास्ट सीट 8 पर 10 पर पहुंचेंगे। डेट इवन इवेंट और बीक मैच हमें निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है और फंक्शन किसके साथ आईएसओ बीक नाम विद और फंक्शन, लास्ट फॉर्मूला है इक्वल बराबर और फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो डबल करेंगे। लॉजिकल वन यानी कि आईएसओ बीक नाम फंक्शन देख सकते हैं फॉर्म हमारा सो डबल करेंगे। डेट यानी कि हमने ये सेल सेलेक्ट करना है ए टू शिफ्ट साफ ब्रैकेट क्लोज, हम क्या करेंगे इक्वल बराबर किसके 2K ध्यान देना होगा, कॉमा लगाएंगे। लॉजिकल टू आईएसओ वीक नाम फंक्शन करेंगे इस पर डेट यानी ये सेल ए टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल किसके 3K दे सकते हैं यहां पर 3, कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे कॉमा। अब हम लॉजिकल 3 तो क्या आईएसओ बी क्रम फंक्शन स्टेटमेंट करेंगे डेट यानी ये सेल ए टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इक्वल बराबर किसके 4, तो टाइप करेंगे 4 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकला है। इसको हम जो प्लस करना चाहते हैं डबल करेंगे, चेक कर सकते हैं जो हमने कंडीशन लगाया है ट्रू दे सकते हैं ट्रू 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 और फाल्स और लास्ट फाल्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना चाहिए,
चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले एडवांस वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।